अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC जिसको हम कहते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, इट इज़ द एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड द कम्युनिटी थ्रू दियर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट कॉस्ट देर द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन एफोर्ड। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि हमारे सेहत का जो बुनियादी ख्याल है, हमारे लाइफ स्टाइल का जो बुनियादी ज़रूरियात है सेहत से रिलेटेड, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। और ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी होता है, ऐसा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो माशरे में हर एक फर्द ने उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि ये सब के लिए ज़रूरी होता है। अगर एक बंदा इस तरह के लाइफस्टाइल गुजार रहा है कि उसके लाइफ में कोई हाइजीनिक प्रॉपरली वो सफाई नहीं है, तो वो तो खुद बहुत बीमार होगा, लेकिन साथ में कम्युनिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में कुछ ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस या ऐसे ही इदारे बनते हैं या ऐसे ही टेक्नोलॉजीज लाते हैं कि ये वो माशरा एफोर्ड भी कर सके, मतलब कि बर्दाश्त भी करे, और उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक उसके ज़िंदगी से जितने भी बीमारी रिलेटेड होती है उसको ख़त्म करे। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम तो करें। Concepts of primary health. The ultimate goals of primary health care is better health for all. WHO World Health Organization has identified 5 key elements to achieving the goal. Primary health care का जो concept है ये हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक सेहत के लिए ज़रूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं कि इस प्राइमरी हेल्थ केयर को हम अचीव कर सके, हासिल कर सके, जिसमें फर्स्ट नंबर है एलिमिनेशन और रिड्यूसिंग ऑफ सोशल पार्टीज इन द हेल्थ केयर सिस्टम। हमने ऐसे पार्टीज डिस पार्टीज जो है कि वो हेल्थ सिस्टम्स या हमारे सेहत के ख़िलाफ़ वो काम करते हैं, तो उसको अपने माशरे से ख़त्म करना है या उसको कम करना है, क्योंकि वो अपने मफाद के लिए वो माशरा या वो कम्युनिटी का हेल्थ का ख्याल नहीं कर सकते। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ होती है तो वो कम्युनिटी के अंदर ही होती है, तो उससे डिफरेंट किस्म का धुआं निकलता है कि वो डायरेक्टली कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है, तो ये चीज़ें इसमें आती है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज अराउंड पीपल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, और ऐसे हेल्थ सर्विसेज या ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं कि वो उस माशरे वो कम्युनिटी के उसके मकदार के बराबर हो, मतलब कि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको वो चीज़ मिले और उसके रेंज में भी हो, वो अफोर्ड भी कर सके। इंटीग्रेशन हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर्स, और हमने हर एक शुबे में हेल्थ का ख्याल रखना है। परसुइंग कोलैबोरेटिव मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डायलॉग्स, और ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं, ऐसे आसान पॉलिसीज बनाने हैं जो हर किसी के समझ में आ जाए, जो हर किसी को ये पता चल जाए कि हाँ ये हमारे ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंक्रीज स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, और हमने ऐसे स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है कि लोगों को भी फ़ायदा हो उस चीज़ से और कम्युनिटी में हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि उस कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा भी हो उस चीज़ से और उनका सेहत पे भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रमोशंस ऑफ फूड सप्लाई,
वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रॉपरली, जो फूड सप्लाई होता है या वाटर सप्लाई होता है या उनके जो सैनिटेशन सिस्टम होता है वो प्रॉपरली सही होना चाहिए। ये ना हो कि फूड वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के जो पाइप्स होते हैं ये आपस में जुड़े हो। ज़्यादातर ये जो सिटीज़ इलाके होते हैं तो ये इस तरह पाइप होते हैं कि वही सैनिटेशन जिस नाली में हुआ हो उसी नाली में उनका जो वाटर का पाइपलाइन होता है वो भी आया होता है, तो ज़्यादातर इन्फेक्शन या चीज़ें जिसकी वजह से भी कॉज होती है। एजुकेशन अबाउट प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, और किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लोगों को आगाह करना है, उनके मुतालिक उनको ये समझाना है कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है और उसके प्रिवेंटिंग के लिए उसके रोकथाम के लिए तरीक़ेकार भी बताना है। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकली भी उसको ट्रीट करना है कि आया ऐसा ना हो कि वो उस बीमारी को इतना सीरियस ले ले कि उसके साइको बन जाए। इम्यूनाइजेशन और उसके इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है, जिसको हम प्री इनफाइलेटिक्स भी कहते हैं कि उसको ऐसे अगर सस्पेक्ट करते हैं कि ये बीमारी किसी कम्युनिटी में आ सकती है या प्रेजेंट है तो उससे पहले आपको अपनी बॉडी को इम्यूनाइज करना ज़रूरी होता है। मदर चाइल्ड हेल्थ MCH एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग या मदर्स और बच्चे का ख्याल भी रखना है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स और जो ज़रूरी अद्वियात होती है वो भी बरे वक्त कम्युनिटी को पहुँचाना है। ट्रीटमेंट्स ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरी, और जो कॉमन डिजीज़ होती है कम्युनिटी में या इंजरीज होती है उसका ट्रीटमेंट करना। कंट्रोल्स ऑफ लोकल एंडेमिक्स डिजीज, और जो कम्युनिटी में डिजीज प्रेजेंस होती है लोकली उसको कंट्रोल्स करना है और क्योर करना है। थैंक यू।